नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता के मूड में। आपके साथ मैं हूं कनिका। देश में सत्ता संग्राम ने जोर पकड़ लिया है और नामांकन का दौर भी जारी है। देश की जनता की क्या राय है? क्या जनता महागठबंधन को दिल्ली पहुंचाएगी या फिर बीजेपी को बहुमत पार कराएगी? ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं कैराना सीट के गंगोह क्षेत्र में, जहां हमारे संवाददाता तीर्थ चौधरी ने जानी लोगों की राय कि उनके दिल में क्या है, किसे बनाना चाहते हैं वो अपना प्रतिनिधि। चलिए जानते हैं तीर्थ चौधरी के साथ जनता का रुझान। लोकसभा के सकरपुर गांव की, जहां कुछ किसान हैं जो खेत पर काम कर रहे हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी विक्रम सैनी। विक्रम जी, किसे वोट देंगे आप? प्रदीप को देंगे जी। ये कौन सी पार्टी से आते हैं? बीजेपी से जी। प्रदीप को जानते हैं आप? हाँ जी, हमारे यहाँ कई बार आए जी। अच्छा, आते रहे जी। अच्छा, तो प्रदीप को वोट देंगे या मोदी को? मोदी की वजह से है ज़्यादा तो। प्रदीप को? हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों? मोदी ने बहुत अच्छे काम करे जी, समझो। मोदी काम कर रहे जी, सब कुछ ठीक है जी। पहले रात को बहुत दिक्कत आती खेत माने में भी। हाँ, अभी जो कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से रात ने पानी चला हुआ है या और कोई भी काम हो, सब ठीक ठाक से हो जी। अच्छा, शौचालय बना है आपको? शौचालय तो बन रहे जी, हाँ पहले बन रहा हमारा था। तो मोदी ने बनवाया, पहले बने हैं? पहले ही बने हुए हैं जी वैसे तो। तो मोदी से क्या उम्मीद रखते हैं आप? मोदी से तो यही उम्मीद है जी, सब तो बड़ी तो यही है जी। एक तो बिजली मिल रही है अच्छी, और एक सुरक्षा बढ़िया है जी सबकी। यहाँ चुनाव आ रहा है, 11 तारीख को चुनाव होना है, आप किसे वोट देंगे? मोदी से देंगे जी। मोदी से? मतलब मोदी क्यों? उनका यही हमारी इतना अच्छा काम कर रहा, इस वजह से ही देंगे जी हम तो। अच्छा, लोग कांग्रेस कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, किसानों को कुछ नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, ये तो भूल है जी, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। गैस के सिलेंडर भी दिए, हम बहुत गरीब आदमी थे। अच्छा, लकड़ी के में चूल्हा चलावा थे, हमारे सिलेंडर भी दिया मोदी ने जी, बहुत काम करे ने जी। अच्छा, लोग कह रहे हैं मोदी लहर खत्म हो गई है, मोदी लहर? नहीं नहीं, झूठ है बिल्कुल जी, ऐसा नहीं है। तो दोबारा फिर मोदी आ रहे हैं? हाँ जी, लहर बहुत जबरदस्त है जी मोदी की। इस बार वोट डाल रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल डाल रहे हैं। अच्छा, किसे वोट कर रहे हैं? मोदी को जी। ऐसे क्या खूबी नजर आ रही है मोदी में? भाई मोदी में खूबी तो सारी है, उसमें सबसे बड़ी खूबी तो है हम सुरक्षित हैं। अच्छा, हाँ जी। और लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है? भाई रोजगार तो यहाँ भगवान ने सब कुछ दे रखा, मौज कर रखी, सबको रोजगार मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। डले फेंको जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन प्रत्याशी है आपके यहाँ बीजेपी से? प्रदीप चौधरी है जी। अच्छा, आप जानते हैं प्रदीप चौधरी को? हाँ जी। इस बार चुनाव हो रहा है, चुनाव आने वाला है, तो आप वोट करेंगे जी? किसे वोट करेंगे? मोदी जी को। क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या किया है? अजी सब कुछ किया है, अगले काम करो खेतों में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिलेंडर मिला है आपको? अजी ना, सिलेंडर नहीं मिला। अच्छा, सिलेंडर ना जी, ये तो है हमारे पे। अच्छा, लेकिन फिर भी मोदी को ही वोट करेंगे? हाँ जी, जो अच्छी सरकार है, क्या दिक्कत है? किसान है जी। अच्छा, इस बार वोट कर रहे हैं, किसे वोट करेंगे आप? बीजेपी को वोट करते हैं। अच्छा, क्या खूबी है बीजेपी में? बीजेपी में एक तो देश की सम्मान बढ़ा है विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, दूसरा सभी देशवासियों को सुरक्षा मिली है, और देश में बहुत विकास कार्य हुए हैं जो हमारा देश 70 साल में पिछली सरकारें नहीं कर सकी, वो इन्होंने 5 साल में कर दिखाया है। तो इस बार फिर मोदी सरकार। आपका नाम? मोहम्मद हामिद। अच्छा, किसके समीकरण बन रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? हमें तो यह मलिक साहब की जीत दिख रही है। कांग्रेस से करेंगे? अच्छा अच्छा, कितनी वोटों से? भाजी जीतनी चाहिए तो 50,000 से लाख से जीतनी चाहिए, इससे जीतनी। अच्छा, मलिक साहब पहली बार आए हैं क्षेत्र में जी, तो आपको कैसा लग रहा है कि क्या उनका मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर? वो तो जानदार कैंडिडेट है, लड़ना जानता है। अच्छा, राहुल गांधी ने एक बात कही है कि 20% लोगों को 72,000 रुपये मिलेंगे। जो वादा करेंगे पूरा पाटेंगे, उन्होंने जो सरकार उनकी बनी उन्होंने वहाँ पूरा पाटा है जी। जी जी, तो क्या 72,000 रुपये दे पाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह देंगे। मेरा नाम अब्दुल हमीद। अच्छा, आपको पता है कौन कौन कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल पता है। कौन खड़े हैं? एक तो प्रदीप जी खड़े हैं, एक तबस्सुम, एक वो क्या नाम, मलिक हरिंदर। मलिक हरिंदर मलिक। अच्छा, तो आपका रुझान किसकी तरफ है? मेरा तो मलिक साहब उनकी तरफ है जी, प्रदीप की तरफ। क्यों? मुझे पसंद है जी। नहीं, प्रदीप पसंद है या नरेंद्र मोदी पसंद है? मुझे तो जी सही मायनों में उनका जो भतीजा है वो पसंद है। अच्छा अच्छा, तो आप आपकी वोट प्रदीप को जाएगी। बात करते हैं गंगो में वरिष्ठ पत्रकार राकेश गर्ग जी से।
जो यहाँ बहुत पुराने पत्रकार हैं उनका समीकरण पूछते हैं किस प्रकार का समीकरण रहेगा चुनाव में। जी अच्छा, यहाँ पर 3 प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला है, भाजपा कांग्रेस और गठबंधन प्रत्याशी के बीच। तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसके अंदर जिस तरह हरेंद्र मलिक कांग्रेस प्रत्याशी मुस्लिम क्षेत्र में बढ़ रहा है, उससे लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी भी यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा भाजपा के अंदर जो दिलों की दूरियाँ थी, कुछ लोगों के अंदर में आपसी मैल थे, उनको दूर करने का प्रयास विशेष तौर से किया जा रहा है, उसका लाभ भाजपा प्रत्याशी को भी मिल सकता है। कुल मिलाकर चुनाव त्रिकोणीय है, उसमें ऊंट किस करवट बैठ जाए ये अभी तक नहीं कहा जा सकता। धीरे धीरे यहाँ पर मोदी जी आने वाले हैं, अखिलेश जी आएंगे, मायावती आने वाली है, उसके बाद क्या समीकरण बनते हैं, और प्रियंका और राहुल गांधी आ रहे हैं, उसके बाद ही कुछ समीकरण तय हो पाएगी, मतदाता अपना रुझान बना पाएगा। चुनाव होना है, आपको पता है कौन कौन प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ पे? जी जी पता है, 3 प्रत्याशी खड़े हैं। एक तो भाजपा से प्रदीप चौधरी जी हैं जो गंगो से हैं, और दूसरा है गठबंधन से तबस्सुम बेगम है, वो केरल लोकसभा से हैं, और तीसरी हैं हरेंद्र मलिक, वो हैं कांग्रेस से। अच्छा, ये तो मोदी जी को वोट करेंगे। क्यों? मोदी जी ने इतना अच्छा मुद्दा उठाया है 3 तलाक का। आज के टाइम में जैसे हम देख सकते हैं कि हिंदू समाज में लड़कियाँ खुलेआम घूमती हैं, इतना मतलब उनको कोई पर्दे का रोक टोक नहीं है। इसी तरीके से हम मुसलमान को भी ऐसे ही होना चाहिए, हम एक साथ मिलजुल के चलें, हिंदू और मुसलमान छोड़ दो, सब एक हैं, सबको समान चलना चाहिए। और 3 तलाक पर मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया कि 3 तलाक होने के बाद अब कोई भी देख लीजिए आप, कोई भी जो बिल्कुल नीच लोग हैं वो 3 बार उन्होंने 3 तलाक बोला और 3 तलाक हो गया। बताओ, इतना इतना हल्का चीज़ मान लिया उन्होंने कि तलाक ऐसी हो जाएगा, तो इस पर बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने कि हमारी 3 तलाक को ख़त्म कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी ने कहा है कि 72,000 रुपये मिलेंगे 20% गरीबों को, 20% जनता को, इसमें क्या कहाँ सोचते हैं आप? राहुल गांधी की सबसे पहले सोच ही गलत है, उन्होंने ये बोला है कि 20% लोगों को मिलेंगे, जबकि मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि उनको 20% मिलेंगे, 50% मिलेंगे। मोदी जी ने सबको एक समान रखा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जात हो, कोई भी बिरादरी हो, उन सबको एक समान लेके चले हो। तो राहुल गांधी या कोई भी अदर समाजवादी के या कांग्रेस के कोई भी नेता हैं, वो भड़का रहे हैं हम लोगों को कि तुम वहाँ ना जाओ, यहाँ आओ। इस तरीके लोकसभा क्षेत्र के गंगो के शोभित विश्वविद्यालय में बात करते हैं यहाँ के जो नवयुवक हैं, जो छात्र हैं, उनसे। जी भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की सरकार लग रही है। कैसे लग रही है सरकार कांग्रेस की? कि जो वादे भाजपा सरकार ने बोले थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जी जी, जैसे कि मोदी ने बोला था राम मंदिर का, कश्मीर का और रोज़गार का, कोई एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी की तो लगता नहीं कि बीजेपी सरकार आएगी। और किराना सीट पर तो गठबंधन की सीट पक्की है, बिल्कुल पक्की है, गठबंधन पक्की है बिल्कुल। तो वहाँ कांग्रेस क्यों हार रही है? कांग्रेस ये गठबंधन है तो इसलिए वोट में है। जब मरगंगा का टिकट कटा, मरगंगा फाइट में थी तो मरगंगा का टिकट कट चुका। नहीं, आप कह रहे हैं देश में कांग्रेस सरकार बनेगी, यहाँ मरगंगा, यहाँ आप गठबंधन को जिता रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम अभिनव राणा है जी। राणा जी, आपको क्या लग रहा है सरकार किसके आएगी? ये सरकार वैसे बीजेपी की बननी चाहिए जैसे उसने काम किया है, पर जो बात किसानों का आती है तो किसानों का उसने अभी कुछ ज़्यादा नहीं किया, पर देश में विकास बहुत किया उसने, इसलिए देश के विकास की तरफ से बीजेपी सरकार। अच्छा, जब मेरी बात हुई है क्षेत्र में किसानों से कि वे सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसमें क्या बीजेपी? सुरक्षित तो देखो सब है, सुरक्षा कोई बात नहीं, पहले भी सुरक्षित थे अभी, पर जो वो फसल हुआ तय मेहनत करते हैं उनका उन्हें पूरा नहीं मिलता, मेन बात ये। चलो, मेरा नाम ताबिश राणा है जी। जी राणा जी, क्या लगता है आपको सरकार के बारे में? सरकार के बारे में किराना में तो ये है जी, किराना में तो निश्चित गठबंधन आ रहा है जी, क्योंकि मरगंगा फाइट में थी, मरगंगा का टिकट कटने से बीजेपी यहाँ तो डाउन है, और यहाँ कांग्रेस का और इसका गठबंधन का सपा बीएसपी का जो है इनमें फाइट है, तो बीजेपी यहाँ फाइट से बाहर है। बीजेपी यहाँ केरला लोकसभा से बीजेपी फाइट से बाहर है।
हम खड़े हैं गंगो के लखनौती में, जहां पर बात करते हैं कि आने वाला जो पर्व है 11 तारीख में जो महापर्व मनाया जा रहा है, उस पर्व में मतदान के लिए कौन सी सरकार चुनी जाएगी, किस बारे में बात करते हैं। बात जी, क्या नाम आपका? अच्छा, जो आने वाला 11 तारीख में वोट डाल रहे हैं, आप किसको मतदान करना चाह रहे हैं? मोदी जी को। क्यों? इसलिए उन्होंने अच्छे काम किए हैं, आने वाले टाइम में भी अच्छे ही करेंगे, गरीबों के लिए जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं इस टाइम तक। अच्छा, आपको मकान मिला है? नहीं, मकान तो मिला नहीं, लेकिन फॉर्म भर रखे हैं। सहरा जी, क्या आप किसे वोट करेंगे? मोदी जी को, अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों क्यों डाल रहे हैं मोदी जी को वोट आप? अच्छा काम कर रहे हैं, हमें मकान दिलवाएंगे, पेंशन हमारी बनवाएंगे। क्यों मोदी जी में ऐसा क्या खास है जो मोदी जी को आप वोट डाल रहे हैं? सब काम अच्छे कर रहे हैं इसलिए। और कोई खूबी? अभी तो बस यही है। सिलेंडर मिला आपको? जी नहीं। जब भी सिलेंडर भी नहीं मिला, मकान भी नहीं मिला, फिर भी आप मोदी को ही वोट डालेंगे? बस उनकी तारीफ सुन रहे, खाली तारीफ सुनकर आप वोट डालेंगे मोदी को? जी बाकी जी मोदी जी को डाल देंगे वोट, तो अच्छा काम कर रहा है, आगे को भी अच्छा करेंगे हमारे लिए। तो मोदी ही है इस बार? जी मोदी है हमारे लिए। आपका? मेरा नाम शैलजा जैदी है, डॉक्टर ऑफ सलमान जैदी। मैं लखनौती की रहने वाली हूँ और साथ में एडवोकेट भी हूँ। अच्छा, आप एडवोकेट हैं, तो आप किसे इस बार वोट डाल रहे हैं? किसे? मोदी जी को देंगे हम तो, मोदी जी। क्योंकि देखिएगा, आप एक चीज़ नोट करिएगा, मोदी जी कह रहे हैं हम चौकीदार हैं, जबकि वो पूरे विश्व के इतने बड़े हमारे विश्व के गुरु हैं और वो अपने आप को चौकीदार बता रहे हैं, तो वो किन की वजह से? तो हमें उनको ही वोट करना चाहिए। अगर कल के दिन आकर मुझे कोई चौकीदार कहेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा कि बताओ मैं एडवोकेट हूँ और मुझे वो चौकीदार बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो इतने बड़े हमारे विश्व के गुरु बनने वाले हैं, तो उनके बारे में सोचो और मोदी जी को ही वोट दो। अच्छा, एक योजना ला रहे हैं राहुल जी, उसके बारे में क्या ख्याल है? जैसे 72,000 रुपये सालाना देंगे, इसमें क्या लग रहा है? उनकी सरकार ने आज से पहले कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे? अब तो वो मोदी जी की हिरत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। मोदी जी आज से पहले तो उनको कभी नहीं लगा कि हमें लोगों को, गरीब लोगों को कोई सेवा देनी चाहिए या हमें कुछ करना चाहिए। आज वो मोदी जी के चक्कर में आप कर रहे हैं ऐसा। का दौर है और युवाओं से बात करते हैं कि किस प्रकार का ये चुनाव है जो 2019 में लोकसभा चुनाव, कैराना लोकसभा सीट पर हम खड़े हैं, बात कर रहे हैं युवाओं से। जी भाजपा बताइए, क्या नाम है आपका? अंकुर कुमार है। अंकुर जी, कैसा लग रहा है आपको 11 तारीख में चुनाव है, किसे वोट करेंगे? हम तो मोदी ना करेंगे। मोदी में ऐसा क्या खास है? राहुल जी कहते हैं कि युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, बिल्कुल उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। कौन बन रहा है? नरेंद्र मोदी जी। आप किसे वोट करेंगे? मोदी को। जी जी, आप मोदी को। जी जी भाई साहब, नरेंद्र मोदी का साथ है। मोदी के साथ है, मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी तो पंडित है, नरेंद्र मोदी का, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए टेक्निकल दुनिया में उतारा है। आप बताइए। मोदी, वोट फॉर मोदी। एक बार जोर से नारा लगा मोदी का। अरे सम्मान, अरे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आपने देखा कैराना लोकसभा भीलगंज, जनता का मूड जिस प्रकार से जनता और नवयुवक और किसानों से हमने बात की है, वो हमने आपको दिखाया है। जिस प्रकार से लोगों का अपना रुझान है, वो तो 2019 का जो चुनाव है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2019 में सरकार कौन बना रहा है। इतना ज़रूर है कि मोदी लहर आज भी बरकरार है। से मैं तीरथ चौधरी, CM न्यूज़ गंगो।